वाटरमेलन तो आपने कई बार खाया होगा, पर कभी सोचा है कि इसके छिलकों से टेस्टी और हेल्दी कोई रेसिपी भी बनाई जा सकती है? तो चलिए आज ऐसी ही एक हेल्दी, टेस्टी और जूसी सी रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले वाटरमेलन के छिलके के हरे भाग को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें केवल सफ़ेद वाले भाग का ही यूज़ करना है। फिर सफ़ेद वाले भाग को चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये रेसिपी बनाने में आसान और बहुत ही हेल्दी है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। कुकर में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे, फिर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच राई और राई के चटकने पर डाल देंगे 2 चुटकी हींग। उसके बाद डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और साथ ही डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज और कुछ करी पत्ते और गैस की आंच को धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर प्याज को कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसके बाद डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे 3 से 4 पिसे हुए टमाटर और टमाटर के साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी का टेस्ट चावल के साथ बहुत ही बढ़िया आता है। उसके बाद लगा देंगे ढक्कन और धीमी आंच पर तेल के अलग होने तक और टमाटर के सॉफ्ट होने तक मसाले को अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको भी अलग अलग रेसिपी ट्राई करने का शौक है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यह बनाने में आसान भी है, हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। फिर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरे धनिए को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद डाल देंगे चॉप किए हुए वाटरमेलन के छिलके। इस रेसिपी में हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाटरमेलन में अपना ही बहुत सारा पानी होता है और अपने ही पानी में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। सब्जी के मसाले को आप अपने टेस्ट के अनुसार भी तैयार कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है आप ना डालें, और कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे ढक्कन और गैस की आंच को तेज कर देंगे। तेज आंच पर 1 सीटी आने के बाद गैस की आंच को कम कर देंगे और धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक के लिए सब्जी को पकने देंगे। उसके बाद गैस बंद कर देंगे और जब अच्छे से सारा प्रेशर निकल जाएगा तभी ढक्कन खोलेंगे। हमारी हेल्दी, टेस्टी और जूसी सी वाटरमेलन के छिलके की सब्जी बनकर तैयार है। हरा धनिया डालें और गरम गरम चावल के साथ सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।